आज मैं तुम लोगों को एक महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। वो राज करते हैं प्रजा के लिए, प्रजा के सेवक बनकर, पर व्यक्तिगत रूप से वो एक ऋषि का ही जीवन व्यतीत करते आए हैं। इन महान राज ऋषि का नाम है मिथिला नरेश शीरध्वज जनक। उनका राज्य शांति और सद्भावना के लिए जाना जाता है। सभी पड़ोसी राज्यों से उनके संबंध मित्रतापूर्ण, जिनकी भूमि धर्म की भूमि है, ज्ञान की और सदाचार की भूमि है। आज उन्हीं के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। जिस भूमि की उर्वरता अतुल्य थी, आज वही भूमि मरुस्थल समान प्रतीत होती है। प्रजा के पास भोजन नहीं है, जल नहीं है, पशुओं ने प्राण त्याग दिए है, शरीर का काल बन चुके हैं। कल्पना कर सकते हो तुम सभी क्या बीत रही होगी उस राज्य पर और एक राजा पर जो इस समय बिल्कुल असहाय है। कल्पना करो, यदि तुम राजा होते, तुम्हारे पड़ोसी राज्य पर ऐसा संकट आया होता तो तुम क्या करते? और राम, तुम क्या करते पुत्र?